इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से। जब अपने पर आई तो प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने की हड़ताल। जी हाँ, इस समय जहाँ पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे विश्व में हर जगह, हर कोने में, हर क्षेत्र, हर गांव में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, ऐसे में कुछ लोगों ने कोरोना को कमाने का धंधा बना लिया है। इसके इलाज को कुछ लोगों ने कमाने का धंधा बना लिया। ऐसे में रायबरेली के जिलाधिकारी के द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को निर्धारित लिस्ट जारी करने से प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हड़कंप मच गया, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दर्जनों प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बढ़े हुए पेट्रोल दर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो भी निर्धारित मूल्य किया गया वह एम्बुलेंस चालकों के लिए बहुत कम है। ऐसे में एम्बुलेंस चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जहां जिला अस्पताल के बाहर आए मरीज अपने परिजनों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। वही एम्बुलेंस चालक ने बताया कि जिस तरह शाहजहांपुर और लखनऊ की निर्धारित लिस्ट है, उसी के अनुरूप जिलाधिकारी रायबरेली की लिस्ट तैयार करें, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ले जाने पर हम लोगों को बताया जाता है कि ऊपर से आदेश है, अब ऐसे में हम लोग इतनी महंगाई में किस तरह गाड़ियों को चलाएं। ऊपर से 10 किलोमीटर का निर्धारित मूल्य 800 रख दिया गया, तो हमारी मांगे हैं कि लखनऊ और शाहजहांपुर की तरह ही रायबरेली की लिस्ट जारी की जाए। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। क्या मामला, कहाँ आए हैं? हम रायबरेली से हैं, एम्बुलेंस चालक रविंदर सिंह हमारा नाम है, प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और जो शुल्क डीएम साहब ने निर्धारित किया है अन्य जिले की अपेक्षा काफ़ी कम, तो हम लोग ये चाह रहे हैं जो अन्य जिलों में है वही हम लोगों को भी मिले। आप लोगों को किराया जो है वो कम है? जी जी। क्यों, कहाँ आए हैं, क्या मामला आप लोगों का है? सर, हमारा नाम गुड्डू है, हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने हैं, हम सब प्राइवेट एम्बुलेंस वाले। क्या मामला है? मामला ये है कि पहले, सबसे पहली चीज़ तो प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। वहाँ जाने पर वो बताया जाता है कि जो ऊपर से आदेश है गाड़ियों में ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किराया यहाँ का निर्धारित किया गया है, डीएम साहब ने किया है, वो अन्य जिलों को देखते हुए काफ़ी हद तक कम है। अन्य जिलों में 10 किलोमीटर 1,000 रुपये और पर किलोमीटर 100 अतिरिक्त चलने पर 100 रुपये पर किलोमीटर रखा गया है, और यहाँ 800 रुपये 10 किलोमीटर का रखा गया और 20 रुपये पर किलोमीटर रखा गया। तो गाड़ियाँ तो सर पेट्रोल और डीजल से सभी की चलती हैं, तो यहाँ डीजल तो पेट्रोल कोई सस्ता तो है नहीं, तो हमारी मांग ये है बस इतनी की दया दृष्टि बनाए कि अन्य जिलों के बराबर यहाँ का भी शुल्क रखा जाए।